बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। और आप लोगों को आज मैं एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ट्रिक बताने वाली हूँ, ब्राइडल बेस का, पार्टी मेकअप बेस का। मेरे साथ एंड तक जुड़ी रहिएगा, इंशाल्लाह ये जो मैं बेस बनाना आपको सिखाऊंगी, आप खुद कहेंगे कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए हैं। वेलकम ऑन माय चैनल, दिस प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जस्ट लुकिंग वाओ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी जो ब्रांड है उसका नाम है ग्लोफुल बाय जे डॉट ब्यूटी। और आप लोग मुझे ग्लोफुल बाय जे डॉट ब्यूटी के नाम से इंस्टा पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे सर्च कर सकते हैं। तो आज की जो अच्छी बात है मेरी वो ये है कि जो है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, मेरे मुंह में जो आया जो बहुत ही मुझे प्यारी आयत लगी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी बिल्कुल, आप लोगों को हर काम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम के कहना चाहिए ताकि शैतान के शर से हमें अल्लाह बचाए रखें, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना चाहिए। तो हम भी शुरू करते हैं हमारा ये वंडरफुल वीडियो, और विद वेरी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनके पास तो कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन उनको जो है ना शादी वगैरह में जाना होता है, लेकिन उनका बेस कोई लॉन्ग लास्टिंग बेस उनको जो है नहीं बनाना आता। तो पार्लर पे जाता है बंदा, लेकिन अब पार्लर पे भी हम अगर ना जा सके तो घर पे कैसे हम लोग लॉन्ग लास्टिंग बेस बना सकते हैं। तो ये मैं आपको आज फाउंडेशन दिखा रही हूँ जिसका नाम है जॉर्ज अर्मानी। मैंने ये फाउंडेशन क्यों सिलेक्ट की है जबकि मैं कोई और भी फाउंडेशन सिलेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ये वो फाउंडेशन है जो बहुत बहुत नॉर्मली इस फाउंडेशन का जितना मैं इंट्रोडक्शन करूँ उतना कम है। ये फाउंडेशन मोस्टली वो लोग यूज़ करती हैं, गर्ल्स यूज़ करती हैं जो कि ऑफिस जाती हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है स्मूथ फॉर्मिंग फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन है वो आपकी माने मीन्स हाई कवरेज नहीं है, ये लो कवरेज फाउंडेशन है। और मैं इस लो कवरेज फाउंडेशन को लेके आपको हाई कवरेज बेस बना के दिखाऊंगी जो कि फ्लॉलेस भी होगा और साथ ही साथ आपका लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। तो ये फाउंडेशन का मैं एक टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले, ताकि आप देखें कि पहले ये कैसी थी, फिर जब इसको हमने फ्लॉलेस बनाया एक दो चीज़ें मिला के तो ये कैसी हो गई। देखें, ये फाउंडेशन है जो कि हम मोस्टली डेली में यूज़ कर सकते हैं, ये मोस्टली जॉब वाली लेडीज़ जो होती हैं ना वो यूज़ करती हैं, और क्योंकि इसका जो है ना हाई कवरेज नहीं है, लो कवरेज है। ये देखें, बिल्कुल लो कवरेज, लग ही नहीं रहा कि हमने बहुत कुछ लगाया है। ग्लो बहुत ज़्यादा होगा और लो कवरेज होगी। ये आप मेरे यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएंगे चार शेड्स में, फेयर डस्की तक आपको इसके शेड्स मुझे मेरे यहाँ से मिल जाएंगे। और ये जो है ना जॉबफुल लेडीज़ के लिए रियली माइंड ब्लोइंग चीज़ है, आपका चेहरा ग्लो करता रहेगा और एक लेयर बन जाएगा बिल्कुल पतला सा जो कि आपको बहुत ही फ्लॉलेस लुक दिखाएगा। अब इस फाउंडेशन को हम लॉन्ग लास्टिंग बनाने वाले हैं विद सम ट्रिक्स। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास कैरलॉन का बेस है, ये कैरलॉन का पेनकेक है जो कि मोस्टली हम पार्टी मेकअप और दुल्हन मेकअप में बहुत यूज़ करते हैं, बहुत से स्टेप के बाद हम स्टिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत कुछ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ एक बेस बनाने का तरीका जहाँ पे आपको सिर्फ ये दो चीज़ें होंगी, और ज़्यादा अगर आप चाहते हो तो इसके साथ आप कंसीलर भी मिला सकते हो। कंसीलर डिपेंड करता है आपके टाइमिंग पे, अगर आपके पास टाइम है तो कंसीलर आप अलग से अपने फेस पे लगा लें, अगर टाइम नहीं है तो कंसीलर भी इसके साथ ऐड करके एक ही लेयर अपने फेस पे लगा लें। तो फाउंडेशन आप कोई भी ले सकते हो। मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि आपको पता चले कि कितनी जो है लो कवरेज फाउंडेशन कैसे हाई कवरेज बन जाएगी। अब इसका हम थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ले लेते हैं। तो ये मैंने फाउंडेशन जितनी आपके फेस पे आपको लगानी है उतना थोड़ा सा आप फाउंडेशन लोगे, और मैं लूँगी एक ये वाला ब्रश, आईब्रो ब्रश, ठीक है, उससे मैं अपने इस पेनकेक को थोड़ा सा जो है निकालूंगी इस तरीके से। अच्छा, जितनी फाउंडेशन होगी उसका थर्ड हिस्सा ये होगा, माने ऐसे नहीं है ये बहुत ज़्यादा हो गया तो ये ड्राई हो जाएगी, तो इसलिए हम इतनी लेंगे बस,
इतनी चपटी सी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि फाउंडेशन भी थोड़ी है। मेरी फाउंडेशन के हिसाब से इसका थर्ड हिस्सा हम लेंगे, तो ये मैंने थर्ड हिस्सा लिया है, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब यहाँ पे एक और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चाह रहे हो कि आप यहाँ पे अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो इसमें आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र या प्राइमर यूज़ कर लें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप कुछ नहीं यूज़ करें, यहाँ तक भी सही है। अगर ऑयली स्किन है तो फिर आप अपना जो प्राइमर, पोर्स वाला प्राइमर है, वो थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये प्राइमर मेरे पास पड़ा है कैरलॉन का, मैं डाल रही हूँ। ये आप स्किप भी कर सकते हो, ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पहले प्राइमर अप्लाई कर चुके हो तो देयर इज़ नो नीड टू ऐड सम प्राइमर इन इट। ओके, और मैं ये कितना डालूंगी पता है, ये देखिए, बस मोर देन इनफ है, बस नज़र आ रहा है, मोर देन इनफ है, बस इतना सा प्राइमर मैं डालूंगी। देखें, देखिए क्वांटिटी देखें, बस इतना सा मैं इसमें डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना, बहुत कम क्वांटिटी आपने डालनी है, ये मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी आपने नहीं डालनी, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारी फाउंडेशन के साथ ये मिल गया, कंसीलर भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हो, अगर आप चाह रहे कि नहीं यार कंसीलर भी मेरा ना यहीं पे ही ऐड हो जाए, ताकि मेरा जो है ना बेस अच्छा सा बन जाए, एक ही से मेरा अच्छा सा वो हो जाए। तो अब बेस यहाँ पर कंसीलर में, बस देखें जितना हम चेहरे पे अप्लाई करते हैं ना उतना ही मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा बस, ये हमारा बन गया मिक्सचर। अब हम इसको जो है ना मिक्स करेंगे अच्छे से अपने फाउंडेशन ब्रश के साथ, सारा मिक्स करेंगे, ये जितना पाउडर था सब हम मिक्स करेंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इतना कोई फ्लॉलेस बनेगा, आप खुद देखेंगी ना कि आपका ये वाली फाउंडेशन जो कि इतनी जो है वेरी लो कवरेज फाउंडेशन, आपकी इतनी हाई कवरेज बन जाएगी कि आप खुद देखेंगे कि यार ये तो कोई इतनी ज़बरदस्त इन्होंने बना ली है कि ये देखें, ये मैंने बनाई थोड़ी सी थी तो ये सारी मेरे इस ब्रश पे आ गई, ठीक है। ये इसको अच्छे से आपने मिलाना है, ठीक है, अच्छे से आपने मिलाना है। अब देखें, अब मैं उसी ही बाजू पे आपको बना के दिखाती हूँ, आप देखें, अब ये वही है जो थी। अब इसका आप टेक्सचर देखें, कितना हेवी लुक आया है और कितना फ्लॉलेस, अल्हम्दुलिल्लाह कितना फ्लॉलेस लुक आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वही जॉर्ज अरमानी है जो आपकी वेरी लो कवरेज होती है, वेरी लो कवरेज, लेकिन अब आप इसको देखें कि ये कैसे इतनी हाई कवरेज हो गई। अब आप इसको आराम से लगा सकते हो, अपने ब्राइडल मेकअप की तरह इसका बेस ले सकते हो, ब्राइडल, चले ब्राइडल तो ब्राइडल होती है, स्पेशल होती है, लेकिन पार्टी मेकअप पे आप जा रहे हो, पार्टी मेकअप आपको चाहिए जल्दी जल्दी में, उसके लिए तो भाई ये इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये क्योंकि इसमें ऐड हो गई है तो इसको मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ, देखिए ये वही है, ये वही फाउंडेशन है, ग्लो भी वापस आ गया और फाउंडेशन भी बन गई। और अब ये थोड़ी सी रह गई है, अगर आपको लगानी हो तो ये भी आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप टेक्सचर देखें, जस्ट ग्लो कितना है, जस्ट चेक आउट। अब यहाँ पे आपको बस एक ही स्टेप करना है, वो ये है कि अप्लाई करना है आपको लूज पाउडर, ठीक है। अब मैं ये लूज पाउडर लूँगी, इसको हमने सुखा दिया, ये मेरे पास क्रिस्टाइन का लूज पाउडर है और ये हम लोग थोड़ा सा लेंगे, ये मैं सेट कर रही हूँ, ये देखिए आप, जस्ट चेक आउट क्या बेस बना है, ग्लोई बेस फाउंडेशन की वजह से, लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग क्यों है,
क्योंकि इसमें हमने अच्छा खासा वो किया है, सेट किया है, ठीक है। और अब मैं इस पर सिर्फ और सिर्फ अपना जो है ये इमली का मेरे पास स्प्रे है, तो हम इससे अब अपने बेस को जस्ट फिक्स कर देंगे। बस अब आप 2 मिनट छोड़ दें इसे और देखें ये सूख जाए, फिर आप देखें ये कैसे फिक्स हो के इतना ज़बरदस्त लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। बस आपको अब 2 मिनट वेट करना है, सिर्फ ये सूख जाए, इसका जो स्प्रे हमने किया है वो सूख जाए। जब ये सूख जाएगा ना तो इसको हम जो है क्या करेंगे, जस्ट मैं आपको टच करके दिखाऊंगी कि ये कितना उतरेगा ही नहीं, आप देखिएगा ये इतना फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा कि आपको मैं ये टच करके दिखाऊंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप खुद देखोगे कि ये उतरेगा ही नहीं। अब देखें ये देखें, देख लें, देखें, जस्ट चेक आउट, ये जितना भी इसको मैं टच करूंगी ना ये नहीं उतरने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये देखिए मेरे हाथ पे आ रहा है, नहीं आ रहा ना, ये देखिए, इसको कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग और इसी को कहते हैं फ्लॉलेस, क्योंकि इतना ग्लोई है। ये देखिए जितना मैं इसको टच करूंगी ना, भले आप कुछ भी करके देख लें नहीं उतरेगा, ये देखिए। ये इतना ज़बरदस्त बेस बनता है ना इससे कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज़बरदस्त बेस बन जाता है इससे। तो होप कि आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक करें। मैं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आती हूँ, और साथ ही साथ आपको ये जितने प्रोडक्ट आप देख रहे हो ना ये सब मेरे यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो, ऑर्डर भी मुझे कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप का नंबर एवरी टाइम स्क्रीन पर होता है, तो जो भी चीज़ आपको चाहिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो मेरे वीडियो पूरे पूरे देखा करें काइंडली, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।